नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और ब्रह्मांड और सौर मंडल विश्व का भूगोल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि विश्व का जो भूगोल है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको हमारे जीएम के ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा आपको बताते हैं। तो अगर आप उसकी जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना विश्व का भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जानें और समझें। तो आपको कितने प्रश्न आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और हर प्रतियोगी परीक्षा में ये ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह ज़रूर पूछे जाते हैं। जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन और एग्ज़ाम होते हैं RS, IS और जो वीडियो के SSC के, उनमें भूगोल के बारे में अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उन प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानें। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत यानी महाविस्फोट जो भूगोल में होता है, ज्वालामुखी जो होता है उसके बारे में जो आपको होता है, तो महाविस्फोट तो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैग सिद्धांत के अनुसार लगभग 1308 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक संघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलेटरी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ जो अनवरत जारी है। तो महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। आपका अगला दूसरा प्रश्न है, तारों का रंग उसके ताप का सूचक है। तारों के ताप का सूचक है। आपका तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है सूर्य। आपका चौथा प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला है अंडाकार या सर्पिलाकार। हमारी जो आकाशगंगा है दुग्ध मेखला वह अंडाकार या सर्पिलाकार आकार की यानी अंडाकार आकार की है। आपका पांचवा प्रश्न है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। कोपरनिक्स को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। आपका छठा प्रश्न है, पृथ्वी गोलाकार है ये सर्वप्रथम कहा था पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोलाकार है। आपका सातवां प्रश्न है, मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है ओरियन नेबुला है।
मंदाकिनी यानी आकाश गंगा को, मंदाकिनी कहते हैं आकाश गंगा को। तो मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र है ओरियन नेबुला। आपका आठवां प्रश्न है, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों की आयु ज्ञात की जाती है तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। तारों की आयु तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। आपका नौवां प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितने समय लगता है? हमारी जो आकाशगंगा है तो सूर्य को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है लगभग 25 करोड़ वर्ष। हमारी जो आकाशगंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष, लगभग 25 करोड़ वर्ष। आपका दसवां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा की क्रिया उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। आपका 11वां प्रश्न है, दिन और रात किस कारण होते हैं? दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो दिन और रात होते हैं पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। दिन और रात होते हैं पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। किसी ग्रह का अपने कक्ष पर घूमने को परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। तो दिन और रात पृथ्वी के अपने ही कक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी जब अपने ही कक्ष पर घूमती रहती है उस कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रहों के मध्य स्थित है। आपका 13वां प्रश्न है, आकाश में कितने तारामंडल हैं? आकाश में कितने तारामंडल हैं? आकाश में तारामंडल हैं 88। आकाश में 88 तारामंडल हैं। आपका 14वां प्रश्न है, बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? बृहस्पति तथा शनि पर तीन गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। हाइड्रोजन H2, हीलियम HE तथा मीथेन CH4। तो बृहस्पति तथा शनि पर ये पाई जाती है तीन गैस, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। आपका 15वां प्रश्न है, हीरक वैल्य यानी डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जाता है? हीरक वैल्य यानी डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? हीरक वैल्य यानी डायमंड रिंग का जो है दृश्य वह देखा जा सकता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की परिधि पर आप हीरक यानी डायमंड रिंग का दृश्य देख सकते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की समय अधिक संभावना होगी। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर हम इस डायमंड रिंग का जो दृश्य है हीरक वैल्य का वह देख सकते हैं। आपका 16वां प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके कोई उपग्रह है ही नहीं?
वे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं, वे बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। आपका 70वां प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो की अवधि के समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पर? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, तभी दिन और रात बराबर होते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, हेल बोप तथा हेली क्या है? हेल बोप और हेली क्या है? हेल बोप और हेली है पुछल तारा, एक तारा है पुछल तारा, वो उसको हेल बोप तथा हेली क्या है? हेल बोप तथा हेली कहते हैं पुछल तारे को। आपका 19वां प्रश्न है, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवन यानी पृथ्वी पर इंसान रहते हैं तो जीवन युक्त होने के कारण इसे किस अन्य नाम से भी जानते हैं? पृथ्वी को जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को अन्य नाम से जानते हैं हरित ग्रह। हरित ग्रह के कारण जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर जीवन युक्त है। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को अन्य हरित ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, बृहस्पति का वैल्य किस पदार्थ से निर्मित होता है? बृहस्पति का वैल्य किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो बृहस्पति का जो वैल्य है वह निर्मित होता है सिलिकेट से। सिलिकेट का वैल्य होता है बृहस्पति का, सिलिकेट पदार्थ से निर्मित होता है बृहस्पति का वैल्य। आपका 21वां प्रश्न है, जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? जब एक महीने में दो पूर्णिमा तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं? तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को कहते हैं ब्लू मून। जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को कहते हैं ब्लू मून। जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा है तो उस दूसरी पूर्णिमा के चांद को कहते हैं ब्लू मून। आपका 22वां प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन शनि ग्रह का। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपका 23वां प्रश्न है, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लग जाता है? अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष लग जाते हैं। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष लग जाते हैं। आपका 24वां प्रश्न है, सूर्य का जुड़वां तारा किसे कहते हैं? सूर्य का जुड़वां तारा कहते हैं नेमेसिस को। नेमेसिस को सूर्य का जुड़वां तारा कहते हैं। आपका 25वां प्रश्न है, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज की थी गैलीलियो ने। गैलीलियो ने बृहस्पति के उपग्रह की खोज की थी 1610 ईस्वी में। आपका 26वां प्रश्न है, वे ग्रह जिनके चारों ओर वैल्य होते हैं, बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। वे ग्रह जिनके चारों ओर वेल्ले होते हैं बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। आपका 27वां प्रश्न है, सबसे बड़ा और चमकीला शुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और चमकीला शुद्र ग्रह है सेरेस। सबसे बड़ा और चमकीला शुद्र ग्रह है सेरेस।
आपका 28वां प्रश्न है, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन क्या है? सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना से पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। तो सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन। आपका 29वां प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या को। आपका 30वां प्रश्न है, शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। तो फ्रेंड्स, हमने जीएम के स्टडी के माध्यम से ये जो विश्व का भूगोल है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान, एनसीईआरटी, भूगोल, हिंदी, राजस्थान का जीके, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।